एक्चुअली मानसी पहली बार इतना मुस्कुरा रही है, पहली बार शो में इतना खुश है कि वो नाच रही है, वो सबके पीछे भाग रही है सबको रंग लगाने के लिए। तो मानसी एज़ कैरेक्टर ये बहुत ही डिफरेंट है जो शायद ऑडियंस ने भी कभी नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा थोड़ी सी एकदम सीरियस सी है और घर की बहू है तो एक मर्यादा होती है, जब बड़े भी है घर में तो ऐसे पल्ला पकड़ के चलना और वो सब है। तो अब सडनली जब उसके साथ ये हो रहा है कि भांग उसने पी ली है तो उसके बाद पूरा रूप ही बदल गया है, बहुत ज्यादा खुश है वो। मैंने स्टार्टिंग से आपका एक जो आपने अभी कहा कि एक नॉर्मल आपका कैरेक्टर दिखा है जिसमें मर्यादा में रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बट अभी आप उससे अलग कर रही है कुछ इस सीक्वेंस में, तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है वो आपके लिए कहना है, तो एंजॉय। मैंने तो आके हमारे डायरेक्टर को बताया सर आपको बताना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि समझ नहीं आता कि मतलब वो क्या होता है कि एज एन एक्टर आपको ये डर रहता है कि ऐसा ओवर ना लगे कभी, ऐसा बुरा ना लगे या थोड़ा सा, तो वो पकड़ के चलना पड़ता है। प्लस दूसरी चीज़ है कि कैरेक्टर भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को नशे में और भांग के नशे में, तो वो चीज़ें हरकतें बहुत ही शायद अलग होती है, तो इतना हम टीवी में एज कैरेक्टर्स वी कांट डू दैट। मैंने एक ही बार पी है भांग, तो व्हाट आई रिमेम्बर बहुत सालों पहले कि मैं इतनी खुश थी, मतलब जो अभी मैं कर रही हूँ ना शायद मैं हंस ही जा रही हूँ, मैं बस बिना बात के मैं हंस रही थी और इतना हंस रही थी कि मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, मतलब पानी निकल रहा था पर मैं हंस रही हूँ, तो कोई रीज़न नहीं था मेरे पास हंसने के लिए। सो दिस इज़, बट यहाँ पे क्या है कि आपको इंटरेक्ट करना है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, आप डायलॉग्स भी बोल रहे हो तो आपका कैरेक्टर जोन आप भूल नहीं सकते, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है। तो पर मैं सीख भी रही हूँ, लाइक अमर इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट विद द सीन कि कैसे कर सकती हो, ऐसे भी कर सकते हैं। सीखने की ज़रूरत है, मुझे आपका सीन जो दिखता है वो मुझे बहुत पसंद आता है पर्सनली। एंड अगर मैं बात करूँ आगे की सीक्वेंस के बारे में, तो अभी कुछ अलग दिखने को मिलेगा या फिर होली की कंटिन्यू सीक्वेंस आपके दिखने को मिलेंगे? अभी फॉर द टाइम बीइंग हम होली शूट कर रहे हैं और इसके बाद आगे इंटरेस्टिंग है सब कुछ, और मानसी का कैरेक्टर बहुत ही मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड ले रही है, जो पहले वाली मानसी है वो बदल रही है, उसे समझ आ रही है, तो चेंजेस तो आपको बहुत दिखेंगे और आई होप कि आप सबको ये होली वाले एपिसोड्स अच्छे लगे। थैंक यू।